अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी बिरयानी। तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। आइए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। एक किलो चिकन लिया है, ये एक किलो चिकन है, एक कप तेल है और इसमें हमने चार पांच प्याज को हमने स्लाइस काट के उसको हमने फ्राई कर लिया और ये 200 ग्राम टोमेटो प्यूरी है, 100 ग्राम दही है और इसमें गरम मसाला है। इसमें दो बड़ी इलायची थी, चार छोटी इलायची, थोड़ा सा जायफल और जायत्री और आधा चम्मच सौंफ थी, ये सब हमने कूट लिया। एक चम्मच लाल मिर्च, नमक है आधा चम्मच, एक चम्मच टीस्पून काली मिर्च है, ये दो टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है, आधा चम्मच हल्दी है और एक चम्मच जीरा है, ये सब टीस्पून से लिया है, और एक टेबलस्पून धनिया है, धनिया पाउडर, चार छः चिली जो है, जो हमने इसको बारीक काट लिया है, और हरी धनिया है और ये केवड़ा लिया, इसमें हमने रंग डाल दिया है, आधा चम्मच रंग डाल दिया। ये हमने तीन पाव चावल लिया है, जैसे एक किलो गोश्त है तो उसमें एक किलो चावल डाल सकती हैं, मगर हमने यहाँ तीन पाव वो लिया है चावल, ये बासमती राइस है ये। और इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट भिगाना है, इससे ज़्यादा नहीं भिगाना। अगर सेला होता है तो सेला हमें दो ढाई घंटे हम सेले को भिगा सकते हैं, मगर इसको नहीं भिगाएंगे, बस ये 20 मिनट काफ़ी होता है, उसके बाद हम इसको बॉयल कर लेंगे। ये हमने कढ़ाई रख दी, अब इसमें हम ये तेल डालेंगे। ये तेल डाल दिया, अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये हमने इसमें तेल डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा जो है भूनेंगे, एक मिनट इसको भून करके इसमें फिर हम टमाटर की जो हमने प्यूरी बनाई है उसको डाल देंगे। अब इसमें हम ये टमाटर डालेंगे और इसको भूनेंगे। अब ये टेस्ट हो गया, अब इसमें हम गोश्त डालेंगे। गोश्त डाल के इसको हम थोड़ा भूनेंगे। लहसुन और उसका पेस्ट हो गया था, टमाटर का पेस्ट हो गया था, तो हमने इसमें गोश्त डाला। अभी तेज पत्ता डाल देंगे, इसको थोड़ा से भूनेंगे और इसमें और सब चीज डालेंगे। दो मिनट इसको हमने भून लिया, उसमें हम धनिया पाउडर डाल दिया, जीरा और हल्दी, रेड चिली और नमक डाल देंगे और इसको चलाएंगे। और हमें ये ख्याल रखना है कि जो है गोश्त बहुत ज़्यादा ना चलाएं कि गोश्त टूट जाए। अब इसको थोड़ा से पकने देते हैं। हरी मिर्चें भी डाल देंगे और एक चम्मच ये जो कलर हमने ये भी आया था केवड़े में, उसको भी इसमें डाल देंगे और ये थोड़ा से बचा लिया चावल में ऊपर से डालेंगे। मीडियम आंच पे हमें इसको पकाना है। ये सब मसाला डालने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 मिनट तक पकाया। अब उसके बाद ही हम इसमें दही डालेंगे। और गोश्त हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है। ये हमने पानी रख दिया उबलने के लिए, इसमें हमने डाल दिया
ये लकड़ी डाल दी है, तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो लौंग, दो छोटी इलायची और दो टेबल स्पून नमक डालेंगे इसमें। दो टेबल स्पून नमक डालेंगे और नमक हम इसमें चख लेंगे। अभी जब चावल डालेंगे तो चख लेंगे कि नमक कम तो नहीं है। बिरयानी में चावल में नमक नहीं कम होना चाहिए, नहीं तो बिरयानी फिर अच्छी नहीं बनती। और इसमें एक चम्मच तेल भी डाल दिया। अब हमने इसको देखा गोश्त हो गया है, अब इसमें काली मिर्च जो कि इसको डालेंगे और ये गरम मसाला और तली हुई प्याज, ये प्याज आधी प्याज हम इसमें डालेंगे और ऊपर से डालेंगे। गोश्त अब तैयार हो गया, हमें बहुत ज्यादा उसको खुश्क नहीं करना है, ये इस तरह से। अब इसको हम बंद कर देंगे और परत लगाएंगे। ये पानी हो गया, इसमें अब चावल डालेंगे। चावल बहुत संभाल के डालना है कि पानी उछल के हाथ पे ना पड़े। अब इसको कवर्ड कर देंगे और पूरा चावल हमें नहीं उबालना है, दो हिस्सा उबल जाए एक रह जाए तो हमें बंद कर देना है इसको। ये चावल हो गया है इस तरह से, ये अभी ये ऐसे चावल हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये अभी हम चावल डालेंगे, पहले ये हमने चावल की परत लगा दी, अब इसके ऊपर से ये गोश्त डालेंगे। अब दूसरी परत लगाएंगे। ये हमने परत लगा दिया, अब इस पे ये जो प्याज हमने निकाली थी इसको डालेंगे और ये कलर और केवड़ा निकाला था उसको डाल देंगे। और ये हरी धनिया डाल देंगे। और इसको दम पे रख देंगे। देखिए दम पे हो गई है, अब इसको हम नीचे से ऐसे निकाल के इसको मिला देंगे। अब बिरयानी तैयार हो गई, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। चटपटी बिरयानी तैयार हो गई, हमने डिश आउट कर दिया। अब इसको ट्राई करिए और एंजॉय करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। थैंक यू।